अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस टेबल फैन की चेन वाइंडिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसकी जो हम चेन वाइंडिंग करेंगे किस तरह से करेंगे। ये बहुत अच्छा वर्क करता है चेन वाइंडिंग, जो इसके अंदर हम वाइंडिंग करते हैं और बहुत आसानी से हो जाती है ये। तो मैं इसका चेन वाइंडिंग करके बताऊँगा आपको। बहुत ही खूबसूरत पंखा बनता है ये और वर्किंग भी बहुत अच्छे करता है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले तो स्टेटर की जानकारी दे देता हूँ। तो हमारा जो चैनल है अब नया सीखो, इस पर आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको यहाँ पर हर रोज़ नया सीखने को ही मिलेगा, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों जो नए जो ये कारीगर जो वाइंडिंग के कारीगर बने हैं उनके लिए तो हमारा चैनल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम बारीकी से हर चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करके आपको बताते हैं और बहुत अच्छे से सिखाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने इसको जो पेपर है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसके लिए पहले पेपर इसको लगा के रखे हैं। तो चलिए पहले मैं इसकी बेसिक जानकारी आपको दे देता हूँ। तो ये देखिए, इसका जो ये है ये 2 सेंटीमीटर का है और इसका जो इनर डाया है वो 4 सेंटीमीटर का है और इसका जो आउटर डाया है वो 7.5 सेंटीमीटर का है। तो दोस्तों ये एक चाइना टेबल फैन के अंदर आता है। तो ये बहुत अच्छी वाइंडिंग हम आपको करके बताने वाले हैं। तो हमने जैसे कि इसके जो कॉइल है वो पहले बना के रख दिए हैं। इस तरह के हमें 8 कॉइल की ज़रूरत पड़ेगी। प्रत्येक कॉइल के अंदर हम 600 टर्ने लगाएंगे और हमने इसे इस लकड़ी की मदद से इसको बनाया है। तो ये 15 सेंटीमीटर इसका जो राउंड शेप है, ये 15 सेंटीमीटर का आउटर है इसका। तो आपको साइज़ भी ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, हम इसको किस तरह से इसको इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए हम इसको वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हुए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले तो इसको किसी भी एक स्लॉट में इसको डाल देंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा, पहले ही हमने इसको अभी एक स्लॉट में हमने यहाँ पे लगा दिया है। अभी हम इसके जो अंदर है यहाँ पे इसको 2 छोड़ेंगे और दूसरे वाले में इसको लगा देंगे। तो पहले मैं इस पर एक पीवीसी शीट, इस तरह का एक पीवीसी का शीट लेता हूँ, इसके ऊपर हम लगा देते हैं। और अब आप देखेंगे इसके 2 छोड़कर हमें इस तरह से इसको लगाना है। बीच में हमें 2 स्लॉट खाली छोड़ने हैं, मतलब ये 1 से 4 में कॉइल आएगा। तो हम पहले इसको इस तरह से डाल देते हैं। तो ये देखिए हमने इसको डाल दिया है। अभी मैं आपको एकदम सही चेन वाइंडिंग करके बताने वाला हूँ। तो अब यहाँ से हम कॉइल किस तरह इंस्टॉल करेंगे आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। ये हमने इसको डाल दिया है अभी 1 से 4 में। तो ये आप देखिए, ये बहुत अच्छे से 1 से 4 में डल चुका। तो एक जो कॉइल हमने इंस्टॉल कर दिया है, अभी हम दूसरा जो कॉइल है वो यहाँ से शुरू करेंगे। आप ध्यान से देखिए, अभी हमें ये जो पहला स्लॉट इधर का जो है यहाँ से शुरू करेंगे, फिर 2 स्लॉट छोड़ के हम यहाँ पे डालेंगे। तो चलिए अब मैं दूसरा भी जो कॉइल है आपको डाल के दिखा देता हूँ। तो ये हमने यहाँ पे ले लिया है। तो ये देखिए अभी यहाँ पे हमने डाल दिया है एक साइड में इसको। अब हम इसको यहाँ से 2 स्लॉट छोड़कर डालेंगे। तो पहले अभी हमने इसको इस साइड डाल दिया है। अभी एक पीवीसी शीट लेके हम फिर से इसके ऊपर भी लगा देते हैं। तो ये देखिए हमने ये लगा दिया है। आप ध्यान से देखिए, आप हमने यहाँ से जो है पहला स्लॉट इसका छोड़ दिया है, यहाँ दूसरे में डाला है। अब यहाँ से हम 2 छोड़ के तीसरे में डालेंगे, मतलब 1 से 4 में। तो चलिए मैं यहाँ इधर से भी इसको जल्दी से डाल देता हूँ। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, मैं इसको जल्दी जल्दी डालने की कोशिश करता हूँ। वैसा तो बहुत इजी चले जाते हैं ये। हाँ, तो देखिए हमने दूसरा कॉइल भी इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसके ऊपर भी पीवीसी शीट लगा देंगे। तो दोस्तों देखिए, ये इस तरह से हमने 2 कॉइल डाल दिए है। अभी हम एक जो कॉइल हमारा यहाँ डालेंगे और यहाँ से 1, 2 ये छोड़ के यहाँ पे डालेंगे। दोस्तों इसमें लास्ट में समझने वाली बात है, आप वीडियो को बिल्कुल बिना स्किप करे ध्यान से देखते रहिए, बहुत अच्छी वाइंडिंग होती है ये। चलिए अभी ये ले लेता हूँ मैं एक और कॉइल। अब इसको हम देखेंगे, अब यहाँ से हम इसके अंदर डाल देंगे इसको और यहाँ पे जो एक खाली स्लॉट छूटा है इसके बीच में हम इसमें इसको डाल देंगे। ये डाल दिया हमने पहला कॉइल एक साइड से, अभी हम दूसरी साइड इसको डालेंगे।
तो हम यहाँ से दो छोड़ के इसके अंदर ये एक ये दो, यहाँ पे बीच में हमें खाली स्लॉट अब छोड़ते चलना है और हम तीसरे में इसको डालेंगे। मतलब हमारा जो ये कॉइल है एक से चार में सभी कॉइल डालेंगे। और दोस्तों हमने इसमें 600 टर्ने लगाए हैं, 36 नंबर वायर गेज लिया है। तो ये इस तरह से हम इसको अब पीवीसी शीट इस पर भी लगा देते हैं। ये हमें तीन कॉइल अब हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हमें जो चौथा कॉइल है वो एक यहाँ पर जो बीच में खाली छूटा है यहाँ पर, फिर दो छोड़ेंगे और यहाँ पर इस तरह से डालना है। ये ले लेता हूँ मैं एक और कॉइल। अभी इसको अभी हम डाल देते हैं। तो इस तरह से आपको चैन वाइंडिंग बनाना है। तो चलिए मैं आपको एक काम करता हूँ, अभी तो आप समझ ही गए होंगे आपको किस तरह से कॉइल डालना है। तो मैं आपको फटाफट से कॉइल डाल के लास्ट में बता देता हूँ। हाँ तो दोस्तों हमने जो है हर कॉइल को उसी तरह से डालते डालते यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब सबसे लास्ट वाला जो कॉइल है इसको अब हमें ओरिजिनल चैन वाइंडिंग की तरह अगर बनाना है तो इसको ध्यान से आपको देखना होगा कि मैं इसमें किस तरह से करने वाला हूँ। देखिए आप सभी कॉइल टोटल हमारे चैन वाइंडिंग जैसे आ चुके हैं। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो कॉइल हमने डाला है इसका जो एक सिरा इसको अभी हमें ऊपर कर लेना होगा, मतलब इसको हम बाहर निकाल देंगे। तो चलिए मैं इसको फट से बाहर निकाल देता हूँ। अगर आपने ऐसा किया तो आप खुद ही नहीं पहचान पाएंगे कि आपने पहला कॉइल कौन सा डाला था। तो हमें ये इस तरह से इसको बाहर निकाल के इस साइड कर लेना है। हाँ तो देखिए दोस्तों आपने ध्यान से देखा ही होगा, लास्ट वाले कॉइल को हमने वापस उठा के पहले वाला कॉइल डाल के फिर वापस हमने रख दिया है। तो मैं आपको अड़चन की वजह से ज़्यादा अच्छे से नहीं बता पाया हूँ। तो देखिए ये किस तरह से सभी कॉइल बैठ चुके हैं। अभी मैं भी नहीं इसमें बता सकता कि मैंने पहला कॉइल कौन सा डाला है, आपको बैक साइड से बता देता हूँ। देखिए आप बहुत अच्छे से ये चैन वाइंडिंग हो चुकी है। देखिए आप तो इस तरह से आपको दोस्तों चैन वाइंडिंग करना है जो बहुत अच्छी दिखती है। अभी मैं इसके जो वायर कनेक्शन है बहुत सारे हैं तो मैं आपको इसका सर्किट डायग्राम पर इसके कनेक्शन किस तरह से करते हैं वो बता देता हूँ। हाँ तो देखिए दोस्तों मैं आपको ये सर्किट डायग्राम के ज़रिए समझाता हूँ क्योंकि इतने कनेक्शन में आपके समझ में नहीं आएंगे। आपको इसी तरह से कनेक्शन करने, जैसे हमने ये कॉइल डाले उसी तरह से मैंने ये कॉइल जैसे 8 कॉइल बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह के मैंने ये 8 कॉइल बनाए। हर कॉइल के दो दो वायर निकले हुए हैं। तो अब हमें इसको कनेक्शन किस तरह करना है रनिंग और स्टार्टिंग के। तो जैसे कि अब पहले जो एक कॉइल है हमारा हम इसको रनिंग मानते हैं, तो ये 1 3 5 7 ये हो गए हमारे रनिंग के, और 2 4 6 और ये 8 ये हो गए हमारे स्टार्टिंग के। आप इनमें से कोई भी रनिंग या स्टार्टिंग समझ सकते हैं क्योंकि एक ही साइज़ के जो कॉइल होते हैं। तो अब हमें इसको कनेक्शन किस तरह करना है, पहले हम रनिंग कॉइल के कनेक्शन लगाएंगे। तो हमें क्या करना है, जो ये हमने इधर जो हमारे लेफ्ट साइड से है हम इस जो लेफ्ट साइड वाले को इसके लेफ्ट साइड से जोड़ेंगे। आप ध्यान से देखिए इसके हमने लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट साइड वाले से जोड़ा है। अभी हम इसका जो है राइट साइड वाले को हम इसके राइट साइड में जोड़ेंगे। तो हमें एक कॉइल को छोड़ना है, बीच में हमें एक कॉइल को अभी छोड़ देना है, आपको ध्यान से देखना है। और फिर इस लेफ्ट वाले को हम फिर से जो ये हमारे 3 नंबर वाला कॉइल है इसके लेफ्ट साइड को जोड़ेंगे इस तरह से। अभी ये जो एक वायर है हमारा ये निकला है, ये वाला एक वायर हो गया और ये एक दूसरा वायर हो गया। ये हमारे रनिंग के दो वायर यहाँ निकल चुके हैं।
अभी हम जो इस ये वाला जो हमारा ये कॉइल है, अब हम इसके जो अभी हम इसको स्टार्टिंग के कनेक्शन मानते हैं, तो हम इसका जो लेफ्ट साइड वाला है हम इसको इसके लेफ्ट साइड से जोड़ेंगे, और ये जो राइट वाला है इसको हम इसके राइट से जोड़ेंगे इस तरह से, और इसका जो राइट लेफ्ट वाला है हम वापस इसको छोड़ के इसके लेफ्ट वाले से लेंगे। अब हमारे ये जो दो वायर ये बचे हैं, ये हमारे दूसरे, ये हो गए हमारे चार वायर। अब हम इसमें से किसी को भी कॉमन बना सकते हैं, जैसे कि ये एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का, हमने ये दो वायर को एक जगह जोड़ दिया है, ये हमारा कॉमन हो गया, ये हमारे दो वायर यहाँ पे निकल चुके हैं। तो आप इस तरह से इसके कनेक्शन लगाएंगे। उम्मीद है आपको ये कनेक्शन समझ में आ गए होंगे, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया हूँ। तो आप ध्यान से देखिए, लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले से, राइट वाले को राइट वाले से, और हर इसको हमको एक कॉइल छोड़कर एक कॉइल पकड़ना है। जैसे हमारा एक नंबर हमने पकड़ा है तो ये दो नंबर छोड़ना है हमें, तीन नंबर को लेना है और चार नंबर छोड़ना है, पाँच नंबर को लेना है और छः नंबर छोड़ के सात नंबर लेना है। इस तरह हमारा चार कॉइल का एक रनिंग बनेगा और चार कॉइल का स्टार्टिंग। तो हमने दो वाले को लिया तो तीन वाले को छोड़ना है हमें, चार वाले को लेना है और चार वाले को छोड़ के पाँच वाले को छोड़ के हमें छः वाले को लेना है और सात वाले को छोड़ के आठ वाला। इस तरह के चार हमारे रनिंग और स्टार्टिंग इस तरह से बनेंगे। एक ही साइज़ के कॉइल है, एक ही तरह के टर्न है। आप कॉमन बनाते वक्त में कोई भी दो वायर को इसके जोड़ सकते हैं और इसके तीन वायर हम बाहर निकालेंगे। तो चलिए मैं फटाफट से अभी ज्वाइंट करके आपको कनेक्शन करके फैन में बताता हूँ डायरेक्ट। हाँ, तो देखिए दोस्तों, हमें इस तरह से इसके ये बैक साइड है हमारी, हमें प्रत्येक कॉइल के बीच में इस तरह से एक लेज़र पेपर का एक टुकड़ा लेना है और सभी कॉइल के बीच में हमें अच्छी तरह से लगा लेना है। इधर का वायर उधर नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब मैं इसको आपको बांध के बताता हूँ। हाँ, तो देखिए दोस्तों, अभी हमने इसके जो कनेक्शन है वो जॉइंट हमने लगा दिया एक छोड़कर एक। आप देख सकते हैं ये एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक हमने इसको लगाया है। अभी हमारे जो चार वायर यहाँ पे निकल के आ चुके हैं। तो अभी हम जो ये एक साइड के जो दो वायर है, जो दोनों कॉइल के है रनिंग और स्टार्टिंग का, हम इसको एक करेंगे इस तरह से और अब हम इसको यहाँ पे कॉमन बनाने वाले हैं। तो हम इसको कॉमन बनाएंगे इस तरह से और ये जो दो वायर है हमारे, ये रनिंग और स्टार्टिंग के वायर होंगे। आप देख सकते हैं जो बैक साइड से भी हमने इसको बांध के बहुत अच्छे से कंप्लीट किया हुआ है। अब ये तीन कलर के हमने तीन वायर लीड लिए हैं, जिसमें से हम जो ब्लू कलर है वो हम कॉमन के लिए इस्तेमाल करेंगे और रनिंग के लिए हम ब्लैक और स्टार्टिंग के लिए येलो। तो चलिए मैं फटाफट से आपको इसको कनेक्शन करके बताता हूँ। तो आप ध्यान से देखिएगा आप किस तरह से कनेक्शन करने वाले। ये हमने पहले जो कॉमन वायर को हमने लगा दिया है, एक ब्लू कलर का जो वायर है, इसे हमने कॉमन के लिए यूज़ किया है। तो इसको आपको अच्छी तरह से टाइट जॉइंट लगाना है। उम्मीद है दोस्तों आपको जो वीडियो मैंने जो बताने की कोशिश किया होगा वो आपके समझ में ज़रूर आया होगा। आप इसको करके देख सकते हैं और पहले आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम तो इसमें जाएंगी। तो हम इस तरह से इसको ये वायर भी लगा देते हैं। अभी देखिए आप तीनों वायर मैं आपको लगा के कंप्लीट करके बताता हूँ। आपको इस तरह से इसको जॉइंट करना है अच्छे से और आप चाहे तो इसको शोल्डरिंग भी कर सकते हैं, लेकिन इसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसके लिए मैं नहीं करूँगा इसको शोल्डरिंग। तो चलिए मैं फटाफट से आपको इसको ये कनेक्शन लगा के सिलाई करके बताता हूँ। हाँ, तो देखिए अभी ये तीनों वायर हमने लगा दिए। अब हम इस तरह से तीन सिल्यू पाइप के टुकड़े लेंगे। ये हमने एक तीन नंबर का लिया है जो हम कॉमन पे लगाएंगे, क्योंकि उसके अंदर दो एक नंबर के दो सिल्यू पाइप है तो उसके ऊपर तीन नंबर लगेगा और ये दो नंबर के दो है। तो चलिए अभी मैं इसको जल्दी से डाल के आपको बांधकर कंप्लीट करके बता देता हूँ। And I don't know what to do.
दोस्तों, ये इस तरह से हमने दोनों साइड से इसकी सिलाई कर दिया है। बहुत अच्छे से ये बन चुका है। अब आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये चैन वाइंडिंग हो चुकी है। अभी हम इसको इंसुलेशन डाल के इसको सूखने के लिए रख देंगे। तो देखिए, ये बहुत इजी, बहुत अच्छे से ये वाइंडिंग हो चुकी है। तीन वायर जो हमने निकाले हैं, ये हमने एक कॉमन के लिए यूज़ किया है और ये हमने स्टार्टिंग के लिए, और ये हमारा रनिंग वाला वायर है। तो आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत ये वाइंडिंग हो चुकी है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो जो वीडियो पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आपका अगर कोई दोस्त ये काम करता होगा तो उसको वीडियो ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।